हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन के अलावा इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम से मिलकर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कई सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस पर टू टाइप्स के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है एंड सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वाटर का। बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो टू एटम और एटम्स इसमें हाइड्रोजन के हैं एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल थ्री एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो वाटर का है। ठीक है, अगर इन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम हम कर दें, ठीक है, जो एटम्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में, और इन एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर दें, तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेंड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे टू, तो टू की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे उसके एटॉमिक मासेस में मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, और एटम्स चेंज होने पर प्लस का सिंबल लगाते हैं। एंड नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 प्लस 16 ये हो गया 18। ठीक है, तो 18 ये मॉलिक्यूलर मास है H2O का, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम से मिलकर होता है। ठीक है, और उन एटम्स के अगर एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेंड होता है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एंड इट इज़ ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग, इट इज़ ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग द एटोमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट आपको मिला है उसके एटोमिक मास में मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग द एटोमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाई द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। ठीक है, इनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके इनके एटॉमिक मासेस में सबको हम ऐड कर देते हैं तो हमें ऑब्टेंड होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाई द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। ठीक है ना, जितने एटम से मिलकर उसका फॉर्मेशन हुआ है मॉलिक्यूल का, सारे एटॉमिक मासेस को हम ऐड करेंगे तो हमें एटम मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेंड होगा। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4 विच कंटेन्स वन कार्बन एटम एंड फोर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन है H4। ठीक है ना, CH4 का एटम मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो CH4 के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, वन, जिसे मैंने C1 से शो किया है, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, फोर। ठीक है, ये H4 एटम्स, ठीक है,
मीथेन के एक मॉलिक्यूल में। अब इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि जितने एटम्स से मिलकर उसका फॉर्मेशन हुआ है सभी एटम्स के मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दो। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने यहाँ पे, 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 4 बन जाए 4, इसे आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16। अब यहाँ इसकी यूनिट और हम ऐड कर देंगे यू, ठीक है। यू क्या है, इसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। वाली हम इन कह सकते हैं कि मॉलिकुलर मास को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं AMU में, और AMU का हम रिप्लेस करके हम उसे म्यू से शो करते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया ना, ये U क्या लिखा है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट नोन एज AMU, ठीक है ना। मॉलिकुलर मास को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ओके, तो AMU को ही हम रिप्लेस करके लिखते हैं यू से, और यू का मीन्स क्या होता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। ये मॉलिकुलर मास की यूनिट होती है म्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट्स एग्जांपल्स की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जितने एटम्स से मिलकर फॉर्मेशन हुआ है इस मॉलिक्यूल का, उन सारे एटम्स का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। और आपको एटम्स का एटॉमिक मास पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो जिस मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूलर मास आपसे कैलकुलेट करवाएगा, सबसे पहले तो आपको उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि उस फॉर्मूले में जितने सारे एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 2, कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पे, 1, एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे, 3, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, देखो इस वाले पॉइंट पे आप दोबारा जाइए, इधर इट इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन हैं उस फॉर्मूले में, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप उस एटम के एटॉमिक मास से, ठीक है। वो जो लाइन मैंने आपको लिखी है वो उसका मीन्स यही है कि जो एटम आपको मिला है इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ एटम से। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम सोडियम के कितने हैं, 2, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46। कार्बन कितना, सिंगल, तो ये सिंगल ही होगा। एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 48, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक की है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है।
और यहाँ भी आप क्या ऐड करेंगे, 12, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ एटम्स कितने थे कार्बन के, 1, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 12 ये हो गया, 46 ये हो गया, और ऑक्सीजन का ये 48 हो गया। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 106U, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट का। नंबर ऑफ एटम्स हैं सोडियम के यहाँ पे 2, ये 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ एटम्स में इसके एटॉमिक मास से, तो 46 आएगा। कार्बन सिंगल है, इसका एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। वैसे यहाँ पे यहाँ 1 लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, तो 12 यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। और कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स जितने होते 2, 3, 4, 5, तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, तो 12 हो गया। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, इसका एटॉमिक मास 16, मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये 106 यूनिफाइड मास, ये इसका मॉलिकुलर मास होगा सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोस। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एक देखो, सबसे पहले तो ये देखो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, ठीक है, मतलब कितने तरह के इसमें एटम्स हैं। तो एक तो कार्बन है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 टाइप्स के एटम्स से मिलकर फॉर्मेशन हुआ है इसका, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने यहाँ पे, 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 72, ये 12 एंड ये हो जाएगा 96, ठीक है ना, 72 12 96, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 यूनिफाइड मास, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मॉलिक्यूलर मास एंड उसकी यूनिट, जैसे हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आजकल उसे यू से डिनोट किया जाने लगा है, जिसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, मीथेन एंड वाटर, ठीक है। और इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, और बिना इसके आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, एंड ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।